रणथंबोर टाइगर रिजर्व में बाघों और वन्य जीवों की सुरक्षा में फ्रंट लाइन पर रहकर कार्य कर रहे वन कार्मिकों को 2 दिवसीय कार्यशाला के माध्यम से प्रशिक्षित किया गया। इस कार्यशाला में वन क्षेत्र में वन्य जीवों से किस प्रकार सुरक्षित रहा जाए और विभिन्न आपदाओं से कैसे निपटा जाए, इसे लेकर वन कर्मियों को प्रशिक्षित किया गया। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय एंड और एड फॉर मैनकाइंड की ओर से आयोजित इस कार्यशाला के समापन कार्यक्रम में अभयारण्य के CCF सेडूराम यादव और DPS संग्राम सिंह सहित आयोजक एवं प्रशिक्षणार्थी मौजूद रहे। करना चाहिए, कैसे फर्स्ट एड करना चाहिए, उसके बारे में सीखा जाए। 2 दिन का कार्यक्रम था, ये एम्स न्यू दिल्ली, एक डॉक्टर्स ने एक एड फॉर मैनकाइंड का एक NGO बना रखा है और वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया MOEF एंड NTCA से हमारे पास आया था कि ये कैंप करेंगे, जिसमें पूरे स्टाफ का जो फील्ड में रहता है, रेगुलरली मेडिकल चेकअप नहीं होता है, उनका मेडिकल चेकअप भी करेंगे, प्लस उसका कुछ फर्स्ट एड की कुछ ट्रेनिंग देंगे। इनिशियली स्टाफ कैसे ट्रेनिंग कर सकता है, तो वो दोनों प्रोग्राम रखे हैं। भारत के सारे टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेजेस जैसे एम्स हो गया, सफदरजंग हो गए, SMS जयपुर हो गया, इन सब के डॉक्टर्स अपनी जो छुट्टियां होती हैं या बचे कुछ जो टाइम होते हैं उसमें सोशल सर्विस देते हैं। हम 200 से 250 के आसपास में लोग और कुछ परिवार वाले भी आए और हमने उनकी 2 दिन की बेसिक इमरजेंसी ट्रेनिंग दी कि अगर जंगल में किसी जंगली जानवर ने हमला कर दिया, सांप ने काट लिया, पेड़ से गिर गए, बाढ़ आ गई, आग लग गई, तो उन सब में अपने आप को कैसे बचाव करना चाहिए, प्लस उनकी जो हेल्थ है उसकी भी हमने स्क्रीनिंग की और इंटरनेशनल गाइडलाइंस के थ्रू हमने स्क्रीनिंग की है।